पीएस शासन के 15 साल के कार्यकारिणी पर राजद नेता सह डीएसएस जिलाध्यक्ष मिथिलेश कुमार उर्फ मनोज यादव ने एनडीए की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 15 सालों से जनता को बेवकूफ बनाने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। उन्होंने बताया कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ जनता को 15 सालों से बेवकूफ बना रहे हैं। बिहार तो अस्तित्व है, इसमें तो आर पार की लड़ाई है। राजद भर्सस बीजेपी है, लालू भर्सस मोदी। और ये जो कहता है बिहार में बाहर है, झूठों की सरकार है, ये ढूंगरा पीटने की सरकार है, कोई बाहर नहीं है, ये महाजनरल राज है। खून खराबा क्रैम सारा बर्गिया चरण सीमा छुलिया है। आज जो डिजिटल डिजिटल चुनाव बोल रहा है करने के लिए तैयार है, जान रहा है कि मेरे सभा में जनता नहीं जाएंगे, और आएंगे जो जनता हमको जूता मारेंगे। इसीलिए बिहार में 15 साल में कुछ नहीं किए हैं। कौन सा एक काम का बात करते हैं, ने विकास किए हैं, ने रोजगार दिए हैं, ने फैक्ट्री लगाए हैं। आज मेरी प्रवासी मजदूर भाइयों बहनों जो भी आए उसके साथ देखिए क्या हाल हुआ। मेरी माँ बहन जो है रास्ते में बच्चा इशू हो गया और उसका कितना कष्ट की घड़ी हुआ। आज फिर वो दो दिन घर में नहीं रह सका, फिर रोजगार के लिए भाग रहा है। क्यों? उसको अगर घर में रोजगार मिल जाता तो बाल बच्चा के साथ रह के खुशहाल जीवन बताते। कौन ऐसा आदमी है जो चाहता है परदेश खटने के लिए? अगर घर में ही दिहाड़ी मिले तो घर में ही खटना चाहिए। ये ढिमोरा पीटने की सरकार जो है, जनता अभी अब जवाब देगा। पूरे सरकार जो है ना पूर्ण बहुमत में राजद की सरकार बनेगी 23 तेवीसवीं का, और अकेला हम फरियाने के लिए तैयार है। राजद परिवार अकेला फरिया लेंगे, जनता के बीच में आवे और जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, और जनता के बीच में आके सारा बात पता चल जाएगा अगली बार इसको। जनपद में एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जिससे आपको अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सोचने पर मजबूर कर देगी। एक मामूली पायल के लिए एक नाबालिग बच्चे ने पहले तो 5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसकी दर्दनाक हत्या की साजिश की वारदात को अंजाम दे डाला। घटना यूपी के श्रावस्ती जिले के थाना मलहीपुर के कस्बा जमुनाहा की है, जहां एक 5 साल मासूम सबा थाना सोनवा के नासरगंज से अपने मौसी के घर शादी में गई थी, जहां सोमवार की शाम को खेलते खेलते सबा अचानक गायब हो गई। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन सबा का कहीं पता नहीं चल सका। परिजनों ने गुमशुदगी की तहरीर भी पुलिस को दी थी। आज दोपहर में पुलिस चौकी परिसर में और प्राइमरी विद्यालय के बाउंड्री के पीछे ईंट से कुचली हुई सबा की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ी मिली। बच्ची का हत्या हुई है 7:15 बजे। यहाँ से लड़की को 3 रुपया दिखा के लेके जाया गया है। उसने यहाँ से लेके जाके अपने मौसी के घर पे छोड़ा है। मालिक सोनी के घर पे छोड़ा है। उसके बाद वहाँ से आके वो यहाँ लड़की को ढूंढने सभी के साथ में लड़की को ढूंढना चालू कर दिया है। और रात को लगभग 9:30 के आसपास में उसका घटना हुआ है, और ईंट से उसका सर कूचा गया है, और उसका जांग पे और गले पे और पैर पे उसका चाकू का निशान भी है। समझे? आप लोग को कैसे पता चला कि वहाँ बच्ची लाश पड़ी है? वहाँ बच्ची पुलिस वाले उसको लेके गए हैं। यहाँ से पहले एक बार थाने को लेके गए हैं। थाने से उसने बताया मेरा मौसी के घर पे जाने के लिए उसने पूरा हर चीज नहीं बताया कि क्या हुआ फिर उसको वापस लेके आए। दूसरी बार जब लेके गए हैं उसको, जब उसने बताया है कि वहाँ पे लाश पड़ी हुई है। तो आप लोग क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हमको खून के जान के बदले जान चाहिए। 5 साल की बच्ची कोई किसी का कुछ नुकसान नहीं कर सकती, किसी के साथ कोई वो नहीं हत्याचार नहीं कर सकती है, लेकिन हमको जान के बदले जान चाहिए। लालपुर गांव से प्रेमी के साथ भागी लड़की के मामले ने तूल पकड़ा। कुछ दिन पहले लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर परिजनों पर आरोप लगाए थे। सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़कर गांव में हजारों की भीड़ जुटी। भीड़ के सामने बेबस पुलिस प्रशासन नजर आया। कल से थाने पर धरने का ऐलान किया जाएगा। थाना अध्यक्ष सहित 2 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर की मांग है। 23 वर्षीय युवती प्रेम संग शादी कर परिजनों पर ही गंभीर आरोप लगा रही है। लड़की और लड़के की वीडियो लगातार वायरल की जा रही है। दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर लड़की के फोटो के साथ टिप्पणियां की जा रही है। क्या प्रशासन उसको नहीं देख पा रहा है? क्या प्रशासन उस वीडियो भेजने वाले तक नहीं पहुंच पा रहा है? क्या प्रशासन उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं कर पा रहा है? क्या प्रशासन उस अमजद नामक युवक की गिरफ्तारी नहीं कर पा रहा है? तो अगर प्रशासन उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं कर पा रहा है,
कृष्ण गोपाल शर्मा के डिप्टी एसपी बनने पर बिजनौर वासियों और ऑफिसर में खुशी की लहर दौड़ गई। कृष्ण गोपाल शर्मा 19 जनवरी 2017 को बिजनौर में एसआईओ के पद पर नियुक्त थे। कृष्ण गोपाल शर्मा एक कर्मठ जुझारू और ईमानदार ऑफिसरों में से एक हैं। उनके ईमानदार, कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ होने का एक बड़ा इनाम देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने डिप्टी एसपी के पद पर 5 जून 2020 को पदोन्नति दे दी। इसके चलते बिजनौर वासियों की ऑफिसरों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी, साथ ही कृष्ण गोपाल शर्मा को भी मिठाई खिलाकर उनको बधाई दी। प्रतीक्षा के बाद यह प्रमोशन प्राप्त हुआ है। इसके बारे में मेरा यही कहना है कि हमारे जो समस्त स्टाफ की दुआएं और हमारे साथियों की दुआओं से ही ये हुआ। बिजनौर का अनुभव कैसा रहा सर? बिजनौर का अनुभव बहुत अच्छा रहा। बिजनौर के सभी लोग कोऑपरेटिव हैं और समझाने से, कोई अधिकारियों के समझाने से मान जाते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति, बिजनौर वालों से आप क्या कहना चाहते हैं? तरक्की करें, बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित बने और अच्छे पदों पर भारत में अपना नाम करें, देश विदेश में यहाँ के बच्चे सब नौजवान, ये भी कहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में एसपी एस आनंद ने पुलिस अधीक्षक का चार्ज ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस ऑफिस का निरीक्षण किया और कार्यालय के डीसीआरबी महिला सम्मान प्रकोष्ठ, आईजीआरएस शिकायत प्रकोष्ठ, क्षेत्राधिकारी, नगर सदर, पेशी आदि शाखाओं के निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी और कार्य वितरण की जानकारी ली। कार्यालय अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया और अधिकारियों कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किया, सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से संधारित किए जाने, आम जनता द्वारा प्रस्तुत शिकायतों का जल्द निराकरण करने सहित अन्य निर्देश दिए गए। आज पहला दिन है, ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरह से शासन की प्राथमिकताओं को क्रियान्वयन किया जाएगा जनपद खासतौर पर शहीदों की नदी शायद? जो शासन की जो मुख्य प्राथमिकताएं अपराध थे, आम जनमानस में पुलिस की वर्दी के प्रति, पुलिस के स्टाफ के प्रति एक विश्वास की भावना रहे, करप्शन के बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की, इन सब चीज़ों पे ऐसा नहीं कहा। कोरोना काल में किस तरह से मैसेज एक शाहजहांपुर के लिए देना चाहूँगा? स्वस्थ रहें, जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, अपने भी सुरक्षित रहें और आपके उस एटीट्यूड से, उस प्रिकॉशन से और लोगों भी आप सुरक्षित। कुएं में गिरने पर लगातार जानवरों के शिकार हो रहे हैं, जबकि सूचना ग्राम प्रधान को दी, प्रधान ध्यान नहीं दे रहे, आखिर कब तक चलेगा? आज आकस्मिक घटना के कारण धर्मपाल के भैंस जाकर कुएं के गड्ढे पर गिरकर मर गई। भैंस कुएं में गिरकर मर जाने से धर्मपाल के परिवार पर दुख का कहर टूटा। धर्मपाल किसी तरह भैंस का दूध बेचकर जीवन यापन करते थे।